जनपद रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम की यात्रा में पंजीकृत खोड़ा खच्चर संचालकों द्वारा माल के बजाय श्रद्धालुओं को ढोने का मामला सामने आया है। दरअसल अधिक धन कमाने के लालच और लोगों को भड़कावे में आकर माल ढोने के लिए पंजीकृत घोड़ा खच्चर संचालक श्रद्धालुओं को ढो रहे हैं, जिसके चलते केदारपुरी में निर्माण और अन्य अनिवार्य सामग्री समय पर न पहुंचने और नहीं पहुंचाने की समस्या उत्पन्न हो रही है। वहीं जब इस मामले में उप जिलाधिकारी अनिल शुक्ला से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं को ले जाने के अलावा लगभग 820 घोड़े खच्चर निर्माण सामग्री और अन्य माल ढुलाने हेतु पंजीकृत किए गए हैं, लेकिन इनमें से कुछ घोड़े खच्चर संचालक अधिक धन कमाने के लालच में माल ढोने के बजाय यात्रियों और व्यापारियों का सामान ले जा रहे हैं, जिससे धाम निर्माण सामग्री समय पर नहीं पहुंच पा रही है। इसके तहत ही उप जिला अधिकारी ने सभी घोड़ा खच्चर संचालकों से अपील करते हुए कहा कि केदारनाथ धाम के लिए समय पर अनिवार्य सामग्री पहुंचाना भी बराबर जरूरी है, इसलिए सभी घोड़ा खच्चर संचालक पंजीकरण के अनुसार ही कार्य करें। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की खास रिपोर्ट। जहां तक घोड़ों के संचालन का प्रश्न है, उक्त संबंध में जिला प्रशासन के द्वारा एक जो है स्पष्ट और पारदर्शी नीति बनाई गई है, जिसको एसओपी का रूप दिया गया है और एसओपी के अनुसार 4000 घोड़ों का पंजीकरण यात्रियों के ले जाने के लिए किया गया है और 520 घोड़ों का पंजीकरण जो है यहाँ के स्थानीय निवासियों के सामग्री ढोने के लिए, पूजा का सामान ढोने के लिए, राशन आदि ढोने के लिए किया गया है। इसके अतिरिक्त 300 घोड़े खच्चरों का रजिस्ट्रेशन कंस्ट्रक्शन कंपनी के डेवलपमेंट कार्यों के लिए किया गया है, लेकिन जो 300 घोड़ों खच्चरों का रजिस्ट्रेशन कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए किया गया है उसमें से भी मात्र 100 से 140, 150 घोड़े ही चल रहे हैं। बाकी घोड़ों को स्थानीय निवासियों द्वारा लालच दे करके उन्हें तोड़ लिया गया है और अपने कामों में प्रयोग किया जा रहा है, और डेवलपमेंट के काम अगर समय से नहीं होंगे तो हम उनको प्रशासन जो है उन्हें भवन समय से नहीं दे पाएगा। और ये हम सभी लोगों से अनुरोध करते हैं कि जो है सभी यात्रा में सहयोग करें और यात्रा को व्यवस्थित रूप से चलाने में मदद करें और अफवाह न फैलाएं, और कोई भी परेशानी हो तो जो है प्रशासन के साथ जो है बैठ करके जो है अपनी परेशानी बताएं और हम उसको जो है दूर करने का हम लोग प्रयास करेंगे।